तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली 8-10 दिनों पहले एक वीडियो पब्लिक हुआ था और इंडिया का जो काफी बड़ा क्राइम वीडियो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है क्राइम तक, उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने जहाँ पे बताया था कि कैसे जो है 10-15 लोग मिलके अमेजोन और फ्लिपकार्ट को चूना लगा रहे थे और लगभग 1.5 करोड़ रुपए का यहाँ पे जो स्कैम इन्होंने किया था फ्लिपकार्ट और अमेजोन के साथ में। तो देखिए दोस्तों, अगर आप भी यहाँ पे शॉपिंग वगैरह करते हो तो भाई आप ऐसा काम बिल्कुल मत करना जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, अदरवाइज आपको भी जेल हो सकती है। क्योंकि ये जो भी ये स्कैम कर रहे थे उन सभी को यहाँ पे जेल हो चुकी है और ये जो है काफी बड़ा ग्रुप था 10-15 लोगों का जो यहाँ पे स्कैम कर रहा था। तो ये क्या स्कैम कर रहे थे, और आपको भाई यार अगर शॉपिंग करते हो ऑनलाइन तो आप अगर किसी भी टाइप का फ्रॉड या स्कैम करने की सोच रहे हो तो आपको भाई सावधान हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपको जेल भी हो सकती है। आपको बता दूं कि अभी एक रिसेंटली स्कैम सामने आया था जिसमें देखिए दोस्तों 10-15 लोग थे और वो क्या कर रहे थे, वो यहाँ पे महंगे आइटम जैसे टीवी, एसी, इस टाइप के जो आइटम है वो यहाँ पे अमेजोन से ज्यादा उन्होंने किया था, अमेजोन फ्लिपकार्ट से खरीदते थे और उसके बाद उसको रिटर्न लगा देते थे। और बहुत सारे रीजन आपको पता है होते हैं जैसे डिफेक्टिव का, तो ये ज्यादातर यूज कर रहे थे डिफेक्टिव रीजन, यानी ये जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट रख लेते थे और की जगह यहाँ पे जो है जो ऑलरेडी खराब या काम नहीं करने वाला प्रोडक्ट था वो डाल के दे देते थे। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, इनको पैसा भी वापस मिल जाता था और इनके पास ओरिजिनल या जो असली प्रोडक्ट था जो रियल में वर्क कर रहा था वो इनके पास भी रह जाता था। तो ऐसा स्कैम इन्होंने किया और बहुत सारी LED टीवी और यहाँ पे AC वगैरह इन्होंने जो है कलेक्ट कर लिया। इसी टाइप से अलग अलग अकाउंट बना के ऐसे अकाउंट ये बनाते थे जो बाद में जो है काम में नहीं लेते थे, एक बार ऑर्डर किया उसके बाद उस सिम को ये जो है काम में नहीं लेते थे। तो ऐसे में ये जो है बहुत बड़े लेवल पे ऐसा काम कर रहे थे। बाद में जो इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई, क्योंकि ऐसे में एक ही एरिया से बार बार जो है ऐसा जो है सेम जगह से अगर ऐसा देखा जाता है कि यार यहाँ पे रिटर्न हो रहे हैं और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट मिसिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इन्वेस्टिगेशन हुई और इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इनको जो है यहाँ पे जेल हो गई, पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी रिसेंटली मैंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फ्लिपकार्ट में अगर आप मिसिंग करते हो, यानी ये वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्लिपकार्ट में बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, पार्सल को मंगवाते हैं उसके बाद रिटर्न करते हैं, रिटर्न में डालते हैं मिसिंग का ऑप्शन, मिसिंग यानी पार्सल उनको मिला ही नहीं है, उनका जो बॉक्स है वो खाली है। ऐसी सिचुएशन में फ्लिपकार्ट को जो है करना क्या पड़ता है, वो उनको पता है कि भाई पार्सल यूजर को मिला नहीं है तो वो डायरेक्ट आपका पैसा रिफंड कर देते हैं। इस चीज का देखिए दोस्तों कुछ लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। ऑप्शन बिल्कुल देखिए दोस्तों यूजर के लिए दिया गया है, मान लीजिए सच में पार्सल बॉक्स खाली मिलता है, प्रोडक्ट कहीं गिर जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में मिसिंग का ऑप्शन काम में लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग इसको गलत तरीके से यूज कर रहे हैं जिसमें उनको मिल भी जाता है फिर भी वो मिसिंग डाल के अपने पैसे वापस ले लेते हैं। इसके अलावा डिफेक्टिव हो गया, डिफेक्टिव यानी दोस्तों होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई मोबाइल मंगवाया, उसी टाइप का मोबाइल आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वो खराब है, तो वो डाल के दे देना खराब है या काम नहीं कर रहा है, डिफेक्टिव ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर देना और प्रोडक्ट को जो यहाँ पे, क्योंकि देखो ऑप्शन वहां पे जब आप रिटर्न करते हो तो बहुत सारे होते हैं। देखिए जैसे एक तो होता है आइटम मिसिंग का, एक होता है यहाँ पे प्रोडक्ट डिफेक्टिव का यानी खराब है, डजेंट वर्क यानी काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं जैसे प्रोडक्ट चेंज है यानी जो मंगवाया वो नहीं मिला है, तो इसका भी बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं, मान लीजिए जैसे मोबाइल कवर मंगवाया तो जब उनको मोबाइल कवर वगैरह रिसीव हो जाता है तो वो पुराना वाला डाल के उसको रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसा जो कि दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो या कुछ आप महंगे प्रोडक्ट के साथ ऐसा करते हो तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट को रिटर्न करते हो और कोई भी रीजन वहां पे सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको क्लियर मेंशन आता है, TNC एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है, अगर आपके आप सही पाए गए तो कोई दिक्कत नहीं है और अगर हमें लगता है कि आपने स्कैम किया है तो हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ऐसे में आपको कॉल आ सकता है और भी जो बहुत सारी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। तो यहां पे देखिए दोस्तों आपको इन सभी में से कोई भी काम नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग आपने किया है और अगर आपको सच में कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है, जैसे हो सकता है वो खराब मिल गया है,
हो सकता है वो दूसरा मिल गया है, हो सकता है बॉक्स खाली है। अगर आपके साथ सच में हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको मिसिंग करो, आप उसको डिफेक्टिव जो भी आपके साथ हुआ है वो आप सब डाल के अपना रिफंड लो, चेंज करो प्रोडक्ट को। लेकिन अगर आप स्कैम करते हो, यानी सब कुछ सही है फिर भी आप वापस पैसा लेना चाहते हो, या पुराना प्रोडक्ट है खराब है वो डाल के बेचना चाहते हो, तो ऐसा अगर आप करते हो तो भाई ये करना इल्लीगल है और ऐसे में आपको जो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो नॉर्मली देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपका अकाउंट तो ब्लॉक होना ही है। फ्लिपकार्ट से करते हो, अमेजोन से करते हो या कहीं से भी करते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। और अगर आप बड़े लेवल पे कुछ अनजाने में और कुछ सोचते हैं कि भाई ऐसे में कुछ नहीं होगा, तो आप बड़े लेवल पे या बड़े प्रोडक्ट का जैसे 15,000 20,000 30,000 तक के प्रोडक्ट का अगर आप ये काम कर लोगे फिर तो 100% इन्वेस्टिगेशन होने वाली है और आपके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। और अगर आप सच में आप गलत पाए गए तो भाई फिर आपका जेल वगैरह होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए आप इन चीजों से बच के रहिए। और अगर आप स्कैम वगैरह से कोई करता है तो उनको भी आप जो यहाँ पे बता सकते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कभी भी हो सकती है। क्योंकि ऐसे में देखिए दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए किसी ने 15,000 रुपए का मोबाइल यहाँ पे फ्लिपकार्ट से मंगवाया और उसको मिसिंग कर दिया, तो अब होगा क्या? मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। तो होगा क्या दोस्तों कि वो प्राइस ज्यादा है 15,000 रुपए का, तो ऐसे में ऐसा नहीं है फ्लिपकार्ट ऐसे ही छोड़ देगा, अकाउंट ब्लॉक कर देगा, कुछ नहीं बोलेगा, नहीं। 15,000 रुपए का मामला है तो फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, आपको कॉल आएगा कि भाई आपके साथ आपको नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, कब ऑर्डर किया था, कैसे किया था, तो आपको सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जैसे डिलीवरी बॉय उस एरिया का होता है, उससे जो है बात की जाती है कि आपने किनको डिलीवर किया या नहीं किया, और उनका जो कोरियर पार्टनर होता है उनको यहाँ पे ऑर्डर वगैरह देखा जाता है कि यार कहाँ तक ऑर्डर बिल्कुल सही था और कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। तो ऑर्डर पूरे एरिया में सही होता है या डिलीवरी बॉय या वो जो कुरियर पार्टनर है वो कह देते हैं कि भाई बिल्कुल हमने सही प्रोडक्ट दिया है। और अगर आप गलत पाए गए और आपने चाहे 15,000 20,000 कितने का भी स्कैम किया आपको जेल तक हो सकती है। तो भाई ऐसे में आपको ये काम नहीं करना है, कुछ लोग अनजाने में कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ऐसे लोगों के साथ जरूर शेयर करना जो ऐसा कुछ कर रहे हैं, चाहे 100 रुपए का करें चाहे 10,000 का करें, भाई ये अगर आप करोगे तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो सकती है बड़े लेवल पे। ये जो अनजाने में और ये सोच के कि यार कुछ नहीं होगा, इस वजह से हर 10 दिनों में हर महीने में 1-2 बड़े केस आ रहे हैं जिसमें लोगों को जेल हो रही है और उनका जो न्यूज आ रहा है कि उन्होंने क्या किया था, वैसे आपको भी ध्यान रखना है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, लाइक और शेयर जरूर कर देना।